रोज मैं उठती हूँ, रोज सुबह काम करती हूँ, रोज। सो गाइज अभी खाना खा लिया है, फ्री हो गए हैं, देखो दोनों के पैर दिख रहे हैं। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। सो गाइज अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी टाइम हो चुका है 6:30। मम्मी और मेरी दिन की शुरुआत हुई थी 6 बजे। अभी हम नीचे आ गए हैं, मैंने नहा लिया है और यहाँ पे देखो मम्मी को सुबह सुबह मेरी पैंट ठीक कर रहे हैं। सारी तो, पैंट की ना बेल्ट डालने वाले जो वो होते हैं ना बकल्स, वो सारे के सारे उस बच्चे ने तोड़े हुए हैं। मैंने नहीं तोड़े हुए, वो टूट जाते हैं अपने आप। कैसे टूट जाते हैं भाई? टूट जाते हैं वो कभी। मम्मी बर्थडे कर रहे हैं, कल क्यों नहीं सही किए? कल क्यों नहीं सही किए? हाँ? जब मेरे को ध्यान में आया तब मैंने कर दी है। कल ही बोल था आपने मेरे को कि आज मैं तेरी पेंट से करूंगी। मेरे को कल मैं बिजी इतनी थी। अब मम्मी पेंट से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास, अभी बहुत टाइम पड़ा है। अभी जब तक मैं ऊपर का पहन देता हूँ, ऊपर का पहन लेता हूँ मतलब है अपना आईडी कार्ड, टाई तो पहन लिया मैंने, नहा भी लिया सुबह सुबह। यस सो गाइस अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी मैंने पैंट पहन ली, अपनी पैंट हो गई है मेरी सही। अभी यहाँ पे मम्मा बनाएंगे मेरे लिए बोर्नवीटा, अपने लिए ग्रीन टी। जब भी मैं इस वाले कप में ले लू दिया तो जल्दी बना लो, मेरे को ना भूख लग रही है आज सुबह से उठ उठ के। खाना कुछ नहीं? खाले पराठा? नहीं, भूख लगती है वो पराठा खाता नहीं। गाइज अभी यहाँ पर मेरा दूध रेडी हो चुका है मम्मी की, यहाँ पे ग्रीन टी अभी भी बन रही है। यहाँ पे चेक हो रहा है कि आज इंग्लिश का ही पेपर है ना, किसी और सब्जेक्ट का पेपर तो नहीं है। तो मैंने तो देखा हुआ था, तो डाउट में डाल रहा हूँ मुझे। हाँ मैं डाल रहा हूँ क्योंकि पता नहीं था मुझे, है ना, को नहीं पता था मुझे। मैं मम्मी को बता रहा, मेरे को नहीं पता, तो मम्मी को मैंने कहा पेपर वाले दिन इसके लिए कंफर्म कर रहे हैं मेरा कहना पेपर है मेरे जो पूरी तैयारी वाली करके, है ना। हाय हाय, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है मैं, ये मसाले मार के बाहर आंटी है, खराटे ले रही है ये पापा की तरह। मम्मी बादाम को कौन छीलता है? पापा है, बादाम को छीलते हैं पापा, छिल्ला को उतार के खाते, नहीं भिगो के छिल्ला को उतार के खाते कई लोग, कई लोग खाते हैं। वैसे ऐसे खा लेना चाहिए, कुछ होता तो नहीं है वैसे। पापा कहते हैं छिलक मेरे गले चढ़ दी है। ये क्या बात है, मेरे तो नहीं अड़ती, मेरे भी नहीं अड़ती, मैंने भी 2-3 बारी खाया है। बादाम तो तू कभी नहीं खाता, झूठ। क्यों, 2-3 बारी खाया मैंने। हेलो गाइस, फॉलो कर लो, फॉलो कर लो, चलो चलिए। आज मम्मी हमारे साथ जाएंगी बड़े दिन के बाद, है ना। होगी तेरे पेपर की तैयारी? यस मम्मी, मम्मी से पूछो पहले कैसे याद किया, बार मार के याद किया मुझे सब। मम्मा मार के याद किया? परसों पैगी सी चढ़ी पहनी थी वो पाई थी वो, तो उसकी बात अलग, मैंने मार मार के याद किया। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, जब वो आराम से पढ़ लेता, मारने की जरूरत नहीं। हाँ सुन लो सुन लो, मेरा डर ही काफी है। आपका डर, आपका डर, आपका डर है मेरे को कोई डर नहीं है, मेरा आपका नहीं है, लाड़ के रख दूंगा। मम्मी का है बस, मम्मी बैग पकड़ो चलो चलो। तो अभी आ चुके हैं घर पे और गाड़ी हटा के पूरा झाड़ू लगाया। लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि कूड़ा कूड़े घर पे फेंके, गाड़ियों के नीचे कूड़ा, साइडों में कूड़ा। फिर गाड़ी हटवा के भैया को मैंने बोला, जो भैया गली में झाड़ू लगाते हैं, मैं कहा भैया जरा यहाँ पे झाड़ू लगा दो, आपको चाय पानी दे देंगे। उनको चाय पानी दी तब जाके उन्होंने झाड़ू लगाया, बिना चाय पानी के तो कोई काम होता ही नहीं ना यहाँ पे। तो पूरी गाड़ी के नीचे साफ सुफ कराया और यहाँ पर मैं घर पे आया तो मेरे को मिल रहा है। मत खाओ मेरे तो यहाँ पे मेरे लिए ये अली ने रखे हुए किशमिश भिगो के, साथ में बादाम भिगो के, तो मैं इसको खाऊंगा। तुमने खा लिए? बनी है तुम्हारी सेहत? नहीं सेहत गया, मैं तो इसलिए खाती हूँ ताकि फिर एक्सरसाइज करते हुए वीकनेस नहीं लगे। चलो ठीक है चलो ऊपर। सो आज लंच में बनने वाले हैं मटर वाले राइस। मटर छील दिए मैंने, 4 टमाटर कट कर दिए हैं और प्याज भी 4 ही लिए थे मैंने, और हरी मिर्ची और अदरक भी कट कर दिया है। सारा मसाला कर दिया रेडी, यहाँ पे बाउल निकाल लिया है, राइस धोने अच्छे से, इसमें मैंने रिफाइंड डाल के इसके अंदर जीरा डाल दिया, रिफाइंड गर्म हो जाएगा तो जीरा भी अपने आप से गर्म हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मेरा मसाला बन के रेडी है, मैंने मसाले के अंदर टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा चाट मसाला, लाल मिर्च, काली मिर्च, गर्म मसाला ऐड कर दिया है। बस इसको हिलाना और इसके अंदर ये धुले हुए राइस ऐड करने हैं, बाकी मेरा मसाला पूरा रेडी है।
मॉर्निंग डुगू। हेलो गाइस। डुगू फिर से अपनी स्वेटशर्ट पे आ गया, टी शर्ट ही छोड़ के, बस हवा निकल गई। हवा चलती है, तुमने इसे छुपा दिए थे कपड़े भी। कोई नहीं, अलमारी में ही रखे थे। जिसने पहननी होती ना वो बंदा निकलवाता है। हरलीन मुझे स्वेटशर्ट ही दो। पर आपको तो नई नई जवानी चढ़ रही थी ना डुगू। अभी जवानी खत्म ही कर रही है। यहाँ पर मैंने डुगू के लिए लंच के लिए बना दिए हैं राइस, और यहाँ पर जप्पू का नाश्ता भी तैयार कर दिया है, और मैंने ना अपने लिए दोपहर के लिए फुलके भी बना के रख दिए। टाइम नहीं होता यार दोपहर को मेरे पास ना। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ डुगू के लिए कोल्ड कॉफी, जिसके लिए मैंने एक बड़ा कप दूध, 2 से 2.5 चम्मच चीनी और एक कॉफी पाउच डाल दिया है इसके अंदर। अब करते हैं इसको ब्लेंड। तो अभी यहाँ पर डुगू की कोल्ड कॉफी का कप रेडी है। चलो चलिए ये लीजिए, रखो। सो गर्मा गर्म मटर वाले राइस बन के रेडी हैं। डुगू का लंच तो रेडी है। आपका दिल कर रहा है तो फटाफट से बनाना। मेरे मुंह में खुद पानी आ रहा, मैं भी खाऊंगी आज थोड़े से राइस। तो अभी मैं रेडी हूँ जिम जाने के लिए, पर मैं पहले जिम नहीं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी जप्पू के स्कूल, उसके बाद वहां से मैं लूंगी जप्पू को। जप्पू को लेके अर्श के पापा जाएंगे अर्श को लेने, अर्श के पापा के हाथ जप्पू को घर भेज दूंगी, क्योंकि जप्पू कहता मम्मा मुझे जिम नहीं जाना, इसलिए मैं वहां पे बोर होऊंगा, तो इसलिए जप्पू को घर भेज दूंगी। उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है और वो आके अपना ब्रेकफास्ट करेगा, आराम से चेंज वेंज करेगा, ठीक है, थका होता सुबह से, उसको भी थोड़ी बहुत टैब वैब देखनी है तो वो आराम से घर आ जाएगा। फिर उसके बाद आधे एक घंटे के बाद मैं भी आ ही जाऊंगी। तो चलते हैं फिलहाल स्कूल, ठीक है। जप्पू को स्कूल से लेके भेज दिया अर्शदीप के पापा के साथ वापसी घर पे। अभी मैं जा रही हूँ जिम, जिम से होके फिर मैं घर पे जाऊंगी और ब्रेकफास्ट बना के आई हूँ। मुझे कहता मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, मेरा मन नहीं है। मैंने कहा ब्रेकफास्ट ना किया बेटे, तेरे को घर से निकाल लूंगी सच्ची में। तो अभी मैंने नारियल पानी भी पी लिया है और मैं निकल गई हूँ वापसी के लिए। हो गई आज की एक्सरसाइज खत्म। ये देखो ये देखो, ये हीरो सोया हुआ, मैं दरवाजे खड़का रही हूँ तो। और ये महाराज जी यहाँ कैमरा से बोल रहे हैं, बोलो। दरवाजा बंद कर दिया है और कुछ जप्पू, पापा को चैन नहीं है, देख ले कैमरा से भी बातें कर रहे हैं। तो ये तो सो रहा था मेरा हीरो, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, हूं पिटेगा तू मेरे को। देखी सो गया था, तेरे को मैंने बोला था ना अच्छे ब्रेकफास्ट करियो, बोला था ना, बदतमीज। गाइस अभी खा पी लिया है, हम गए हैं ऊपर, ब्लैंकेट निकाल लिया है, टीवी देखेंगे, ठंड लग रही है। हाय रब्बा। सो अभी मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा, और मैं स्टडी बिल्कुल जस्ट करवा के फ्री हुई हूँ। 7:30 बज गए हैं शाम के, रात के। ये देखो कितने आराम से कितने मजे से सो रहा है, जिंदगी है भाई, जिंदगी है सच्ची में इसकी, आराम से सो रहा है। आज इसने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। जब मैंने इसको पढ़ाने के लिए बिठाया, इसका साइंस का पेपर है और पढ़ाने के लिए बिठाया, तो कहता मम्मा मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। चुपचाप जाके सोफे पे सो गया, कुछ नहीं पढ़ा। रात को पढ़ाऊंगी इसको 1 से 1.5 घंटा। सोच रही हूँ कि साइंस का बुक वर्क इसको आज खत्म करवा दिया जाए, क्योंकि चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज्यादा लेंथी लेंथी हैं। तो है तो इसके पास 3 दिन है, पर वो 3 दिन कैसे 3 दिन फटाफट से बीते जाने पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए तैयारी आज से शुरू करवानी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो अभी फिलहाल मैं 10-15 मिनट लेटूंगी, उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी, फिर आटा भी गूंदने वाला है, लेटूंगी पहले 10 मिनट। देखो गाइज ये है वो बच्चा जो पूरे 4 घंटे सोया है, और उसके बाद भी अब इसको उठाया गया है तो सड़ रहा है कि इसको उठाया तो उठाया क्यों, क्यों उठाया गया इस बच्चे को, क्यों, किस लिए, बताइए। ये बच्चा चाह रहा था मैं कल सुबह आराम से एक ही बारी उठूँ, राइट। हाँ देखो कि डस सियाना आया है ना, शाम का सो रहे थे, कल सवेरे उठना सी इन्हें, वेरी गुड। कुंभकर्ण भी तेरे से कम ही सोता था, पता तुझे। हेलो गाइस, बोलो कर लो मेरे अच्छा चबाएगा, वेरी गुड। देर से बस के बोले गई ठीक है, नहीं कह रही अच्छा। और कुछ आज कान पेंट होगी हमारी, पता नहीं जाके देखते हैं, कान पेंट हुई है नहीं हुई है, फिर आपको थोड़ी जब आएगी तब दिखाएंगे। तो ये देखो गाइस यहाँ पर होना होली का दहन, लोग अपने घर का फर्नीचर भी रख गए, कोई दीवान भी रख गया, स्टूल भी रख गया डुगू। तो ये देखो गाइस रोज रोज इन लोगों को कोई काम नहीं है, है ना, कभी बर्गर कभी चिकन कभी गोलगप्पे कभी कुछ, है ना। हाँ तो फिर मैं ये सब तो नहीं खाती ना, डुगू ने तो खा भी लिया अपना।
तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे और मेरी किचन का देखो क्या हाल हुआ हुआ है यार। सच्ची मैं बड़ी थक गई हूँ सच्ची काम कर करके ना। सही में रोज मैं उठती हूँ, रोज सुबह काम करती हूँ, रोज जिम जाती हूँ, फिर ट्यूशन पढ़ाती हूँ, फिर काम करती हूँ। मैं थक गई हूँ काम कर करके। अब मैनू भी कोई रेस्ट देने वाला होंदा काश। मेरा काम कोई नहीं करता गाइस, जो को बिल्कुल हेल्प नहीं कराते मेरी। मैं क्या करूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरी किचन का हाल देखो, ये कुछ बर्तन तो जो ऊपर पड़े ना ये तो रखने वाले हैं, मैंने टोकरे से निकाले हैं बड़े बड़े। अभी मुझे सब्जी भी बनानी है, रोटी भी बनानी है, खानी भी है, जप्पू को पढ़ाना भी है, सोना भी है। मैं बहुत थक गई हूँ सच्ची में। मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, रोज दी कोई कोई को रूटीन है मेरी। मैं स्पेस चाहती हूँ अपनी लाइफ में, मुझे घूमने जाना कहीं पे। मैं थक गई हूँ, मुझे कोई ले जाओ। ओवर एक्टिंग के पूरे 10 नंबर देना मुझे, ठीक है? 10 में से 10 पूरी। इतनी बढ़िया ओवर एक्टिंग करी है मैंने। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, टिंग टिंग। हम चले किचन में चलते हैं, टिंग टिंग। बनेगी एग करी, खाएंगे रोटी हम। क्या ही गाना था यार, कैसा गंदा, कैसा सड़ा सा गाना था। बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे मेरे गाने को। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, मैं बनाऊंगी एग करी। जिस जिसको सीखनी है मेरे जैसी एग करी, वो चलो मेरे साथ किचन में बनाते हैं साथ में। गाइस सबसे पहला काम था मेरा एग बॉईल करने का, तो मैंने यहाँ पर रख दी है 6 अंडे बॉईल करने के लिए। यहाँ पर उठा ली है मैंने कढ़ाई, और मेरी ओवर एक्टिंग को प्लीज आप नंबर जरूर देना है, क्योंकि आज हलीम बहुत ओवर एक्टिंग दिखा रही है। यहाँ पर मैंने लिए हैं एक बड़ा प्याज, एक छोटू सा बाय वन गेट वन फ्री। ऐसे ही टोमेटो लिए हैं बाय वन गेट वन फ्री, और साथ में लिए हैं हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक। ठीक है, तो इनकी बनाएंगे अलग से प्यूरी, टोमेटो की बनाएंगे अलग से प्यूरी। तो करने जा रही हूँ मैं मसाला रेडी एग करी बनाने के लिए। तो अभी प्याज और टमाटर का मसाला अच्छी तरह से मैंने मतलब मसाला पूरा भून लिया है। फिर उसके अंदर मैंने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, ओहो पूरा मॉइस्चर हो गया। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और कलर वाली रेड चिल्ली, गरम मसाला और काली मिर्च ऐड कर दी है। अभी करते हैं मसाले को अच्छी तरह से थोड़ा सा और फ्राई। यहाँ पर मैंने आटा भी गूंद लिया है, टोकरा खाली कर दिया, बस बर्तन धोने वाले अभी धोते हैं। ऑब्वियसली किचन में आएगा इंसान तो काम तो फटाफट हो ही जाएगा ना। सो गाइज, बॉयल किए हुए एग मैंने अपनी जो मैंने ग्रेवी रेडी करी है उसके अंदर डाल दिए हैं। तो एग करी बन के रेडी है, धनिया भी डाल दिया मैंने ऊपर से। तो अब बनाने जा रही हूँ मैं खाना, रोटी। तो यहाँ पे भी हो चुके हैं तैयार सब्जी। जप्पू खा रहा है यहाँ पे रोटी। yes. और यहाँ पे मैं भी खा रहा हूँ। कैसे बनी है? खत्म हो चुकी है। कैसे बनी है? पापा की पूरी खत्म हो गई मेरी। मेरी बस खाई थी मैंने। कैसे बनी है? 1 नंबर। 2 नंबर? 1 नंबर। तेरी फेवरेट है ये? मम्मी ने तो भी बनाई है, मेरा दिल भी नहीं था ये खाने का। क्यों ना मम्मी? चल बाबा आदमश कर लगे, पहले रोटी खा ले फटाफट। सो गाइस अभी खाना खा लिया है, फ्री हो गए हैं। देखो दोनों के पैर दिख रहे हैं, दोनों यहीं लेटे लेटे सो गए हैं सोफे पे। थकावट भरे दिन चल रहे हैं सच्ची में, और मुझे लगता है शायद उतने अच्छे और उतने ढंग से व्लॉग नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि घर का काम, ट्यूशन का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है इस टाइम पे ना। फाइनल्स में आपको पता ही है सबके ऊपर प्रेशर आ जाता है, टीचर्स के ऊपर भी, स्टूडेंट्स के ऊपर भी, और खुद फिर मेरा खुद का जप्पू है उसको भी पढ़ाना होता है। आज तो आप ये लगा के चलो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो। अभी देखो हल्का सा दिखाऊं, टुकू सो रहे ना, टुकू का सिर ना दिखे। ये देखो कैसे सो गया पापा के साथ। अभी सो के जस्ट उठा था 8 बजे, और अभी टाइम क्या हो गया, 11 बज गए हैं, फिर दोबारा सो गया। इतनी नींद रही इसको चढ़ी हुई है, कुछ नहीं पढ़ा आज, कुछ भी नहीं। अब कल करवाऊंगी इसको, 3 छुट्टियाँ हैं, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा कहा चल कोई बात नहीं रेस्ट ले लें। एक्चुअली इसको खांसी हो रही है, तो इसको अभी फिर से दोबारा दवाई दिलवा के लाए हैं। तो वो मेडिसिन खाते हैं उसमें भी नशा होता है ना, तो उससे भी हो सकता है इसको नींद आ गई हो। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलूंगी मैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। और यस, पेपर ख़त्म होने के बाद के जो व्लॉग बनेंगे वो इंटरेस्टिंग व्लॉग होंगे, क्योंकि हम लोग घूमने जाएंगे काफ़ी टाइम के बाद। वेंसडे को भी पूरा पूरा दिन घूमने जाएंगे, कितने दिन हो गए कहीं पे भी हम ढंग से घूमे नहीं है, दूर कहीं जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे। तो चलो ठीक है, आज के लिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय।